नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। ड्रग्स पार्टी मामले में बीते रविवार को बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आर्यन पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रोए। बता दें कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। पूरे राज्य में चिकित्सा सेवा के साथ चिकित्सा शिक्षा भी कैसे बेहतर हो, इस पर काम किया जा रहा है। शिक्षा सेवा में सबसे जरूरी है मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना। आजादी के बाद से साल 2005 तक राज्य में केवल 8 मेडिकल कॉलेज थे। आज की तारीख में यहां 18 मेडिकल कॉलेज है। अगले 4 साल में इसकी संख्या बढ़ाकर 29 हो जाएगी। आजादी के बाद 2005 यानी कि 58 वर्षों में राज्य में सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेज थे। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पेंडोरा पेपर्स जारी किया है। इसमें दुनिया भर के हाई प्रोफाइल व्यक्तियों द्वारा रखे गए वित्तीय रहस्यों का खुलासा हुआ है। इस पेपर में पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारीन सहित प्रधानमंत्री इमरान खान के कई करीबियों के भी नाम है, जिसमें भारत के 300 लोगों के नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव में 8 लोगों की जान जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सियासी उबाल के बीच लखनऊ में धरने पर बैठे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उधर पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को इंजीनियरिंग कॉलेज के पास प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। जापान के संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फुमिया किशिदा को सोमवार को देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। किशिदा जापान के 100वें प्रधानमंत्री होंगे और वो योशीहिदे सुगा का स्थान लेंगे। सुगा और उनकी कैबिनेट ने दिन की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। किशिदा और उनकी कैबिनेट के सदस्य दिन के बाद में शपथ ग्रहण करेंगे। कोरोना से जान जाने के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। दावे के 30 दिन के भीतर ये भुगतान किया जाएगा। पैसे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष में दिए जाएंगे। किसान महापंचायत की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अदालत द्वारा 3 कृषि कानून पर रोक लगाने के बाद भी सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। किसान महापंचायत के वकील ने कहा कि उन्होंने किसी सड़क को अवरुद्ध नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि कोई एक पक्ष अदालत पहुंच गया और फिर प्रदर्शन का क्या मतलब है। पीठ ने कहा कि कानून पर रोक लगी है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो इसे लागू नहीं करेंगे, फिर प्रदर्शन किस बात का है। नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को पंजाब के नए डीजीपी तथा एडवोकेट जनरल के मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए ट्वीट कर अपनी तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की थी। गत देर शाम वो पंजाब कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता लाल सिंह के निवास पहुंचे। वहां पर काफी समय तक उनके निवास पर रहे। इस दौरान लाल सिंह के पुत्र तथा समाना के विधायक रजिंदर सिंह विशेष रूप पर उनके साथ मौजूद रहे। पंजाब के मुद्दों पर काफी लंबी चर्चा हुई। लखीमपुर खीरी हिंसा का हवाला देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कृषि कानून के खिलाफ विरोध अब बंद होना चाहिए। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के एमराल्ड कोर्ट के 2 अवैध टावरों को तोड़ने के आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुपरटेक की याचिका खारिज कर दी है। सुपरटेक का कहना था कि 224 फ्लैट वाले अधूरे बने एक टावर को तोड़ने के बाद भवन निर्माण के नियमों का पालन हो जाएगा, इसलिए दूसरे टावर को बने रहने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पर राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले नोएडा में बनाए गए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में 40 मंजिला टावरों में से 2 को ध्वस्त करने का निर्देश दे चुका है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 का परिणाम अब जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से कदाचार और पेपर लीक के आरोप के मद्देनजर 12 सितंबर 2021 को आयोजित नीट यूजी 2021 के परीक्षा को रद्द करने और नीट यूजी के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। भवन मुंबई नगर निगम ने सोमवार को बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि उसे शहर में कोरोना वायरस बीमारी की तीसरी लहर नहीं दिख रही है। नागरिक निकाय ने अपनी भविष्यवाणी को एक सुचारू टीकाकरण अभियान पर आधारित किया, जिसमें 42 लाख से अधिक लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और 82 लाख से अधिक लोगों को पहली खुराक मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है, जिसमें कचरा जलाने, धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं की निगरानी के लिए दलों का गठन किया जाना शामिल है। सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र और पड़ोसी राज्यों ने किसानों द्वारा पराली जलाए जाने को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कथित टिप्पणियों के संबंध में मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ सोमवार को एक प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय अधिवक्ता संतोष दुबे की शिकायत पर मुलंद के थाने में ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार में 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान मच गया है। राजद पर भड़की कांग्रेस ने भी अब दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर राजद 24 घंटे के अंदर अपने कुशेश्वर स्थान सीट से अपने उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेती है तो कल ही कांग्रेस दोनों सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी।
साल 2016 में रेल बजट को आम बजट के साथ संयुक्त किए जाने और भारतीय रेलवे द्वारा एक बार में नई ट्रेनों की घोषणा की परंपरा को खत्म करने के बाद से अभी तक रेलवे ने 800 से ज्यादा नई रेलगाड़ियां चलाई है। सूचना के अधिकार के तहत मिले एक जवाब में ये जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश निवासी चंद्रशेखर गौड़ ने RTI आवेदन पर रेलवे बोर्ड की तरफ से दिए गए जवाब में बताया कि वर्ष 2020-21 में COVID-19 महामारी के चलते कोई नई रेलगाड़ी नहीं चलाई गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कमरे में झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो उस कमरे का है जहां प्रियंका को सोमवार सुबह से सीतापुर PAC मुख्यालय में रखा गया है। कमरा गंदा था, प्रियंका ने झाड़ू मांगी, उसे खुद साफ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वैश्विक सुरक्षा चिंताओं, सीमा विवादों और समुद्री मामलों के महत्व पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न केवल नई बल्कि स्वदेशी प्रौद्योगिकियां भी समय की मांग है। हम उन्नत और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की दिशा में काम कर रहे हैं क्योंकि इन प्रौद्योगिकी वाले देश दुनिया में अपना प्रभुत्व बनाता है। इससे हमारे समग्र विकास में भी मदद मिलेगी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC SEBI अपने आने वाले IPO के पेपर को दाखिल कर सकती है। माना जा रहा है कि यह IPO अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा IPO होगा। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष के अंदर IPO लाना है। इसके लिए हमने निश्चित समय भी तय कर रखा है। सरकार ने पिछले महीने इस IPO के लिए 10 मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति की थी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला रविवार हेलीकॉप्टर से त्रिंको माली से जफाना के लिए जाने वाले थे कि तभी उड़ान भरने से पहले उनके हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद उन्होंने एक स्पेशल VIP विमान से अपनी यात्रा तय कर दी है। देश में चल रहे कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के तहत 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को यह जानकारी दी। वहीं देश की 25% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। देश में अब तक 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 89.89 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने असम की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी है कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से फनीधर तालुकदार चुनाव लड़ेंगे जबकि मरियानी क्षेत्र से रूपज्योति कुर्मी मैदान में उतरेंगे। वहीं थौरा विधानसभा क्षेत्र से सुशांत बोरगोहेन का नाम उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। रेलवे भर्ती सेल ने पूर्वी रेलवे में 2,945 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcer.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी और 3 नवंबर 2021 को शाम 6 बजे समाप्त होगी। IIT में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए JEE एडवांस 2021 प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई है। अथॉरिटी द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट 5 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5 बजे तक जारी की जाएगी। JEE एडवांस 2021 की प्रोविजनल आंसर की 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा के विरोध में पंजाब में राजभवन के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस चीफ पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान किसानों पर गाड़ी चलाने के आरोपितों को गिरफ्तार करने और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर की टिप्पणी को लेकर उन पर राजद्रोह का केस चलाने की मांग भी की है। विश्व कप 2021 की शुरुआत होने में 13 दिन बाकी है। संयुक्त अरब अमीरात संघ और ओमान में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप की 17 अक्टूबर से शुरुआत होने वाली है। इस बार अन्य टीमों के अलावा इंग्लैंड को भी खिताब का दावेदार माना जा रहा है। इंग्लिश टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर का कहना है कि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और हरफन मौला बेन स्टोक्स की गैर मौजूदगी के बावजूद इंग्लैंड 2020 विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मेघालय उपचुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और लोकसभा सांसद विंसेंट एच पाला से मुलाकात की। इस दौरान हुई बैठक में मेघालय के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी मनीष चतुर्थ, संगठन के प्रभारी महासचिव KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। जायडस कैडिला ने अपनी 3 डोज वाली कोरोना रोधी वैक्सीन ZyCoV-D की कीमत 1900 रुपए प्रस्तावित की है। कीमत कम करने के लिए सरकार और कंपनी के बीच अभी बातचीत चल रही है और इस हफ्ते अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। यह वैक्सीन 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से सूबे के स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास चल रहा है। वर्ष 2025 तक राज्य में 21 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। वो MGM मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों से बात कर रहे थे। राज्य में बुनकरों के उत्थान की कवायद चल रही है। कपड़ा और वस्त्र मंत्रालय ने राज्य के 4 जिलों में क्लस्टर बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसमें भागलपुर के अलावा नवादा, नालंदा और पटना शामिल है जहां एक एक क्लस्टर बनाए जाएंगे। भागलपुर में इसकी जगह भी लगभग तय हो चुकी है। जिले के लोदीपुर में यह क्लस्टर बनेगा। अभी कागजी प्रक्रिया चल रही है।
तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।